सीएम योगी और पीएम मोदी को रात में गुलदस्ता देते हैं अखिलेश यादव। ओम प्रकाश राजभर का चौंकाने वाला दावा। उत्तर प्रदेश में सुभाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और उनके परिवार पर जमकर जुबानी हमले किए। इस दौरान सुभाजपा प्रमुख ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को मैनपुर में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव का नाम लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा, अंदर की बात आप नहीं जानते। दिन में बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों बोलते हैं, लेकिन दोनों ही रात में जाकर योगी जी और मोदी जी को गुलदस्ता भेंट करते हैं। उन्होंने आजमगढ़ के आगामी चुनाव को लेकर कहा, आजमगढ़ में सपा का खाता नहीं खुलेगा, विपक्षी नेताओं पर कसा तंज। इससे पहले बलिया में शिवपाल यादव से ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने के दावों पर सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसा। शिवपाल यादव ने कहा, एक बार फिर हम महाराज जी से उनके लिए सिफारिश कर देंगे कि जल्द ही इन्हें दे दो। वहीं अखिलेश यादव ने भी वाराणसी में सुभाजपा प्रमुख पर जुबानी हमला बोला था। इससे पहले सुभाजपा प्रमुख ने कहा था कि तीन बैठक के बाद तीन राज्य गायब हो गए हैं, अब चौथी बैठक कर रहे हैं, रिजल्ट सामने है, कोई कहने की बात नहीं है। उन्होंने कहा, मैं बार बार कहता था ये विपक्षियों ने ठाना है, मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। आपने देखा अखिलेश जी लपट गए, नीतीश जी लपट गए, सारे लोग लपट कर जितवा रहे हैं। 2024 को लड़ाई नहीं है, जब विपक्ष के लोग खुद जितवाने में लगे हुए हैं तो लड़ाई कहाँ है। सपा के नेता अखिलेश यादव हटकर सहयोग कर रहे हैं, ये आरोप कांग्रेस के लोग भी बता रहे हैं। लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है।